देख ली, और आपको याद होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और इसीलिए अब उसी की ओर अग्रसर होते हुए प्रशासन आगे बढ़ते हुए तमाम जो अवैध निर्माण है वो ध्वस्त करता हुआ नू और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही लगातार बुलडोजर कार्रवाई की गई और अलग अलग जगहों पर टीम पहुंच कर जो अवैध निर्माण थे उनको गिराती हुई दिखाई थी। इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां भी टीम पहुंची और जहां जहां भी अवैध निर्माण को गिराया गया उन सब के पीछे दरअसल इस हिंसा में शामिल उपद्रवी ही थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उपद्रवियों को जिन्होंने शह दिया, जहां पर उपद्रवी जाकर के छुपे थे उन्हीं जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है। रिपोर्ट आप देखिए मेरे सहयोगी आनंद की। नूह हिंसा के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उपद्रवियों को सरकार का सख्त संदेश। नूह में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन उपद्रवियों की अवैध संपत्ति की पहचान कर कार्रवाई में जुट गया है, लिहाजा बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को पहाड़ के पास अवैध निर्माण को तोड़ा गया था और अब मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की टीम सुबह सुबह ही अवैध दुकानों को गिराने के लिए निकल पड़ी और देखते देखते बुलडोजर की मदद से इन दुकानों को गिराया जाने लगा। कार्रवाई इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी इसका अंदाजा इन लोगों को भी नहीं था। इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही थी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहाँ जो मलबा दिख रहा है वो थोड़ी देर पहले तक दुकानों की शक्ल में थे। यहाँ अल्ट्रासाउंड की दुकानें थी, जूस कॉर्नर था, दूसरी तरफ खून जांच की दुकानें थी, मेडिकल शॉप था। तमाम दुकानें जो है मलबे में तब्दील हो गई हैं। नलहड़ मंदिर से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ देख सकते मलबा, ये 45 दुकानों पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण था, सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई और जैसे ही दुकानों के मालिकों को इसकी भनक लगी वो अपनी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और अपनी अपनी दुकानों से कीमती सामान निकालने लगे। हालांकि उन्हें इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला। प्रशासन का कहना है कि ये दुकानें सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई हैं और जिन लोगों की ये दुकानें थीं उसमें से कुछ लोगों के हिंसा में शामिल होने के इनपुट भी मिले थे और उसी इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। सारी अवैध निर्माण था और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। किस तरह से हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये, और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी। यहाँ से सड़क पे भी इनक्रोचमेंट आ गया था तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। नूह में भड़की हिंसा के बाद से प्रशासन उपद्रवियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो 31 तारीख से लेकर आज तक लगातार नूह में शांति दिखाई दे रही है। तनावपूर्ण माहौल जरूर है लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है। कैसे, उससे जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जांच अब और ज्यादा तेज की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है। सिर्फ नूह के इलाके में ही नहीं, जहां पर हिंसा हुई थी सिर्फ उसी इलाके में ही नहीं, आसपास से सटे हुए तमाम जगहों पर धारा 144 लागू है। बाकी जगहों पर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जितने भी आसपास के इलाके हैं। इसके अलावा ड्रोन की तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और जितना भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है या जहां जहां भी पुलिस बल पहुंच रहा है उन सभी जगहों पर बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जा रही है, बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो ये 5 तस्वीर आपके सामने है जिससे आप ये भी समझ सकते हैं कि 31 तारीख जो हिंसा हुई है उसकी जाँच भी आगे बढ़ रही है और मौजूदा परिस्थिति शांतिपूर्ण रहे उसका भी बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं हरियाणा में हुई हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबर।
नूह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस की कार्रवाई जारी। हिंसा केस में अब तक 104 FIR दर्ज, 216 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जांच के दौरान FSL की टीम को 4 गोली मिलने का दावा। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी। घटना वाले इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आरोपियों की धरपकड़ में तलाशी अभियान जारी। हरियाणा में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच जारी। नू में हुई हिंसा के बाद एडिशनल फोर्स तैनात। हिंसा वाले इलाकों पर किया गया फ्लैग मार्च। उपद्रवियों की तलाश जारी। नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी झुग्गियां। नूह में आज भी कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सकते हैं। नूह में भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नूह में हिंसा के बाद अब सामान्य हो रहे हालात। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद। 31 जुलाई को दो पक्षों में झड़प के बाद हुआ था पथराव। नूह हिंसा में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच जारी। भड़काऊ पोस्ट पर प्रशासन की नजर। 21 से 31 जुलाई के बीच किए गए पोस्ट की जांच की जा रही है। नूह में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स का सेंटर बनाया जाएगा। गुरुवार को 1000 जवानों की सेकेंड इंडिया रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर नूह जिले में शिफ्ट किया गया था।